ऑल राइट हे गाइज, आप सबका वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में। और मेरा नाम है सार्वेंद्र। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो आप ज़रूर करें, वहाँ पे मैं ऑसम मैनिपुलेशंस डालता हूँ। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीसेट्स और PNG चाहिए इस प्रोजेक्ट की भी, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जहाँ पे 2100 लोग पहले से ही ज्वाइंट है और बहुत सारे PNGs और प्रीसेट उनको मिले हैं, और वो भी आर्ट अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आप भी आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें ग्रुप को और स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। और ये वाली फोटो आपको देखते हैं कैसे आप भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे ये इमेज है। सबसे पहले मैं आपको इसमें डिटेलिंग दिखा देता हूँ कि जो मैंने करी है और आपको नोटिस करनी चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे दिखती नहीं है इतनी, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये क्लाउड्स हैं पीछे बैकग्राउंड में, और ये मैंने बहुत बड़ा एक चाइनीज सा सिंबल यूज़ कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे तिब्बतियन में कुछ लिखा हुआ है नेक पे, मुझे नहीं पता, जस्ट ये मेरा टैटू है और इसे मैं टैटू की तरह यूज़ करता हूँ, है नहीं मेरे नेक पे कहीं पे भी। और जस्ट ये आइज मैंने यहाँ ग्लो कर रखे हैं, और ये टीयर्स ड्रॉ कर रखे हैं, और फ्यूम्स हैं जो SBN आर्ट से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कान पे मैंने ग्लो क्रिएट कर रखा है खुद से। और यहाँ शर्ट पे आप देख सकते हैं, शर्ट पे कितने प्यार से मैंने यहाँ ग्लो ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे और हाथ के पास मैंने ड्रॉ कर रखा है। और यहाँ मेरा जो लोगो है वो भी इस बार ग्लोइंग टाइप में है, और इसकी लाइट डायरेक्ट कर रही है यहाँ हिट, तो ये भी आप ज़रूर सीखेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से टैटू डाल रखे हैं अपने हैंड्स पे, जो भी बाजू बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इसकी डिटेलिंग थी, और यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है कि इसमें आप कैसे करेंगे। और अगर आपको कटआउट नहीं करना आता फोटोशॉप में, तो मेरे एक चैनल पे वीडियो है, बहुत ही ऑसम वीडियो है, आप ज़रूर चेक करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वो चीज़, तो ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ फुल स्क्रीन मोड, और आ जाते हैं हम फोटोशॉप के अंदर, और इसे कमांड जीरो से मैं पूरा वो कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ स्क्रीन में। उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऐड अप करी थी, जैसे पार्टिकल्स, तो ये भी बताऊंगा, ये सब PNGs हैं और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सारी PNGs आ जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करें आप। सो सबसे पहले मैं इसमें कोई ज़्यादा हाईफाई काम नहीं हो रखा है जिसमें आपको समझना है कि क्या है। सबसे पहले यहाँ एक ब्लैंक ले रखी है मैंने, और इसका रेशियो रखा है 4:5 का। अगर आपको रेशियो नहीं आता है 4:5 का रखना, तो आप इसे यहाँ से अचीव कर सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम पे फिट आती है पूरी फोटो, तो यहाँ आता है ये 4:5 का रेशियो आपको सेलेक्ट करना है, वो क्रॉप हो जाएगी, और जस्ट अपने इमेज को उसके अकॉर्डिंग क्रॉप कर लें आप, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे मैं अपना बैकग्राउंड इंसर्ट करता हूँ। सो यहाँ ये एक स्काई का बैकग्राउंड जो मैंने यूज़ कर रखा था, और कुछ इसमें खास नहीं है, और जस्ट मैंने डार्क कर रखा है, डार्क इंसेंस ऐसे होता है बिल्कुल नीचे लाके, ठीक है, और कोई वे नहीं है इसका डार्क करने का। और यहाँ से थोड़ा सा नाइट फ्रॉम डे एक लटी ही यूज़ करता हूँ मैं पूरे उसमें फोटोशॉप में, और इसकी ओपेसिटी 34-35 है अराउंड। मुझे यहाँ पे जो मेरा कंसेप्ट था वो था कि मुझे बैकग्राउंड को डार्क करना है और मुझे अपने आप को ग्लो करना है। सो मैंने बैकग्राउंड पूरा डार्क रखा है, और मैंने जस्ट उसे एज अ बैक ही ट्रीट करा है, और कुछ नहीं कर रखा। और यहाँ पे थोड़े से मैंने फॉग ऐड कर रखी है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया था नीचे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फॉग है, ये PNG है, कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये मोनोग्राम है, ग्लोइंग मोनोग्राम है, और ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, और ये पूरा ही कहीं भी आप ले जा सकते हैं इस मोनोग्राम को। सो ये इंडिपेंडेंट है, PNG है पूरी, ठीक है। और इसमें कुछ हाईफाई ज़्यादा काम हुआ नहीं है, तो ये ट्यूटोरियल भी बहुत ही शॉर्ट रहेगा और आपको इजी रहेगा समझने में भी। सो यहाँ मैंने ये अपने आप को कट करके डाल रखा है। अगर मैं आपको अपने बैकग्राउंड दिखाऊं, तो यहाँ मेरे पे हाथ योग का साइन कर रखा था मैंने, लेकिन ये ज़रूरत नहीं था मुझे, तो मैंने हैंड यहाँ से कट आउट कर दिया। मैंने कहा सिंपल प्लेन रहनी चाहिए, क्योंकि हैंड यहाँ मेरा पर्सपेक्टिव ख़राब कर रहा था इमेज में। अगर मेरा हैंड यहाँ रहता, तो आप जस्ट इमेजिन करें यहाँ पे हैंड आता हुआ कैसा अजीब सा लगेगा। इसमें डायरेक्ट सेंटर्ड फोकस्ड रहेगा, नहीं तो आपका हमेशा आई जो भी कॉन्सेंट्रेशन होएगा वो हैंड पे जाएगा।
तो यहाँ जस्ट मैंने यही मैनिपुलेट करा है, और यहाँ पे रेम लाइट ड्रॉ रखी है। तो रेम लाइट मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ फटाक से। सो यहाँ आपको एक वाइट ब्रश लेना है, और कुछ नहीं करना, उस ब्रश को करना है बिल्कुल छोटा, और यहाँ से आप चालू हो जाएं ड्रॉ करना फटाफट। तो आप देख सकते हैं यहाँ आराम से ड्रॉ करते जाएं, ठीक है। और जैसे ये एक्सेस है यहाँ पे, तो इरेजर से इसे इरेज कर दें, ठीक है। सो अगर कोई पबजी खेलता है तो जरूर कमेंट डाउन करे अपनी केडी, मुझे जाननी है। लाइक एक दोस्त है, वो कस्टम बना रहा है, कस्टम नहीं इन सेंस मतलब क्लैन, हाँ बोलते हैं उसे, तो क्लैन बना रहा है। अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो बता दीजिएगा, उसने शायद क्रू चैलेंज भी खेला हुआ है, तो ज़रूर कमेंट डाउन करें। सो यहाँ ये आप रिम लाइट देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा रोटेट कर देता हूँ मैं कैनवास को अपने, और यहाँ पे प्यारी से रिम लाइट क्रिएट कर देता हूँ एक, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा हो गई है तो इसे कम कर देते हैं। और मेन जो रिम लाइट थी वो थी ये हैंड वाली, तो यहाँ अगर मैं अपने हिसाब से भी लगाऊं तो यहीं कहीं होनी चाहिए मेरी रिम लाइट, तो इतनी भी भैड़ी नहीं होगी रिम लाइट, ठीक है। उसे सडल कर दीजिए, सडल वर्ड परफेक्ट रहता है, कम। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना सही लग रहा है अब, कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है लोगो की, तो वो मैंने पहले ही जस्ट क्रिएट करके दिया था। लोगो बाद में इंसर्ट होगा, तो उस टाइम मुझे रेम नहीं क्रिएट करके दिखानी पड़ेगी आपको। और जस्ट बस इतना ही है, इसमें रेम ज़्यादा नहीं है। और फिर रीसेट कर देता हूँ इस कैनवास को मैं पूरा, और इसमें यहाँ टोपी पे भी डाल रखी है मैंने, तो टोपी पे भी सेम ही ड्रॉ होगी। शर्ट की थी थोड़ी कंफ्यूजिंग, तो वो मैंने बता दी आपको। और ये तो सिंपल ही है यार, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब आई क्रिएट हो गई है यहाँ पे, अब आई कैसे क्रिएट करेंगे ये भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। टेंशन ना लें कि नहीं बताऊँगा, अभी सब बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आपने पहले मास्क करना है, और जस्ट मेक सिलेक्शन और ऑल्ट डिलीट जिस भी कलर का चाहिए। तो यहाँ ये कलर रेडी हो गया है मेरे पे। अब इसके बाद मुझे इसके तीन डुप्लीकेट करने हैं, जो मेरा सिंपल फॉर्मूला होता है, और फिल्टर ब्लर गॉसियन पहले में 10, ठीक है। दूसरा इसी के ऊपर कर दीजिए आप, या इसे नीचे, और फिल्टर ब्लर गॉसियन 20, ठीक है। तो वहाँ आप देख सकते हैं वो आई कितनी प्यारी सी क्रिएट हो गई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ है आई को क्रिएट करने के लिए, ऐसे ही आई क्रिएट होगी। अब उसके बाद ये एक मैंने दूसरा डाला है, मतलब ग्लो बोलेंगे इसे, आई नियर करके मैंने डाला है। तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रश लेना है, उसे बड़ा करना है ब्रश को, और जस्ट एक डॉट बनाना है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वहाँ कितना ग्लो क्रिएट हो गया, तो वही चीज़ है बस आई नियर में ये, ठीक है, ग्लो क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद ये फ्यूम्स है, तो ये तो मैं पीएनजी दे दूंगा। और अगर किसी को स्ट्रोक सीखने हैं ये वाले, तो मैंने बना रखा है इस पर बहुत ट्यूटोरियल है कि ये कैसे बनती हैं, तो आप प्रीवियस ट्यूटोरियल देखेंगे तो उनमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं होगा तो ये पीएनजी शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और ये ग्लोइंग है। अब ईयर के ऊपर बात आई है, तो ईयर वाला भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये भी बहुत ही इजी होता है ईयर वाला, मतलब ऐसे धीरे धीरे आपने करना है। जहाँ आपको लगता है कि लाइट है वहीं वहीं ड्रॉ करना है आपने, एक्सेस जगह पे नहीं ड्रॉ करना है, बस जस्ट ईयर का यही फंडा है, ठीक है।
उसके बाद ईयर जब आपके ड्रॉ हो जाएंगे और उसके बाद यही रिम लाइट है जो मैंने क्रिएट कर रखी थी पहले ही, और फिर स्लीव का टैटू है यहाँ पे, जस्ट टैटू है, और उसमें कलर कर रखा था, वाइट कलर का था, और ये टैटू पहले से ही शेयर्ड है ग्रुप में, और ये वाला भी टैटू मैं शेयर कर दूंगा। और यहाँ हेज डाल रखी है मैंने थोड़ी सी, तो ये पीएनजी है हेज की, कोई वो नहीं है अलग, ठीक है। यहाँ मैंने अपना लोगो डाल रखा है, अब लोगो को ग्लो कैसे करते हैं वो भी जान लीजिए आप। कलर ओवरले में आना है आपने, और फिर यहाँ आउटर ग्लो पे भी प्रेस करना है, और ये सेटिंग कॉपी करनी है सेम टू सेम, कहीं अलग मत करिए नहीं तो ग्लो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सेंटर में कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी रिम लाइट वही जो मैंने क्रिएट करके दिखाई थी, और उसके बाद जैसे मैंने आई के पास कर रखा था तो यही ग्लो यहाँ पे क्रिएट करा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ डॉट और यहाँ ऐसे, ठीक है। वो सब बैलेंस होता है जब आप मेन कलर ग्रेडिंग करते हैं तो। और ये टीयर्स बनाने भी बहुत ही इजी थे, अगर आपको नहीं आता तो ये देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ। से यहाँ ऐसे ही आपको ये क्रिएट करना है, और टीयर्स में थोड़ा ग्लो डालना है जस्ट ऐसे बड़ा ब्रश करके, और यहाँ पे तो वो टीयर्स क्रिएट हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद एक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट डाल रखी है, और ये मैंने ऑटो पे क्लिक करता हूँ, और ऑटो से ही अपने आप जो भी रिजल्ट आते हैं मेरे, मैं वो यूज़ करता हूँ। और फिर उसके बाद ब्लैंक लेयर है ये, कुछ फायदा नहीं है इसका। फिर मैंने ग्रेडियंट मैप से कलर ग्रेडिंग कर रखी है यहाँ पे, तो अगर आपने मेरे पहले ट्यूटोरियल नहीं देख रखे हैं जिसमें मैंने कलर ग्रेडिंग बता रखी है ग्रेडियंट मैप से करी है, तो वो ज़रूर चेक करें, आपको तभी ये समझ में आएगा ग्रेडियंट मैप कैसे कलर ग्रेड कर रखा है। और ये वीडियो कल ही डाली है, कल या परसों डाली है मैंने, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, इससे प्रीवियस ही वीडियो है वो, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आपको प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प और थोड़ा सा विंटेज इफेक्ट डाला है मैंने, और जस्ट हल्का सा ग्लो, और फिर थोड़े डस्ट पार्टिकल्स, ये मैं शेयर कर दूंगा। और यहाँ मेरी फ़ोटो हो चुकी है रेडी, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को गाइस। सारी PNG आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, सो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, और इस चीज़ के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा गोल है अब 1 लाख सब्सक्राइबर का, हो जाए तो अच्छा है। थैंक यू गाइस।